नमस्कार दोस्तों, आज हम रेनू बहन से आपका परिचय करवाएंगे। वैसे रेनू बहन को आपने वीडियो में काफ़ी बार देखा होगा, अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पर इनके काफ़ी सारे एपिसोड आपने देखे होंगे, लेकिन इस वीडियो में इनकी पूरी जर्नी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इनका कब देसी गायों के प्रति मोह हुआ और ये कैसा जीवन जी रही हैं, वैसे इनकी वेशभूषा से भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल एकदम पारंपरिक वेशभूषा नीचे से लेकर ऊपर, जो मेरी दादी की जो मैं ड्रेस देखता था, आज वो इस बहन ने वही ड्रेस धारण कर रखी है। आज मुझे अपनी दादी का स्वरूप एकदम से इनको देखते ही याद आ गया कि दादी ऐसे कपड़े पहनती थी। जब कभी वो शादी में ब्याह में तैयार होकर जाती थी तो ऐसे तैयार होके जाती थी, बिल्कुल वही वेशभूषा। तो रेनू बहन नमस्कार। नमस्कार जी, जय गौ माता, जय गोपाल, जय गौ माता। तो बहुत सुंदर शब्दों के साथ इन्होंने अपनी वाणी का आरंभ किया। तो बहन, मैं जानना चाहूँगा कि आप कब से देसी गोवंश के साथ जुड़ी हुई हैं? और लगाओ तो जी, शुरुआत तो शुरू से बचपन से ही साहिवाल गाय का दूध पिया है। अच्छा। मेरे पिताजी भी साहिवाल गाय रखते थे। अच्छा। तो यहाँ आने के बाद जैसे किसान की बेटी थी। हाँ जी, हाँ जी। किसान के ब्याह दीजिए तो अच्छा, पशुओं अच्छा। के साथ लगाओ शुरू से था, गाय माता के साथ इतना लगाओ था जी। अब तो डेयरी फार्म करे हुए हमें 7 साल हो गए जी। अच्छा। हाँ जी। तो रेनू सांगवान, गाँव कौन सा है? गाँव जी, गाँव अपना खरमान है, जिला जज्जर, तहसील बहादुरगढ़ है जी। अनुभव कैसा रहा इनके? अनुभव तो जिस शुरू से ही इतना अच्छा अनुभव है, क्योंकि इनके साथ इतना लगाव है। एक संतान कभी संतान छोड़ सकती है, लेकिन इनका साथ कभी नहीं छोड़ सकती। इन्हीं ने हमारे को दूसरा जीवन दिया है। अच्छा। जो आज मैं खड़ी हूँ, मेरा बेटा खड़ा है, इन्हीं का दिया हुआ दूसरा जीवन है हमारा। अच्छा। और जो भी है, मतलब आज तक हमारी इतना, मतलब इतनी कड़ी मेहनत और इतिहास के साथ हमारा इतिहास भी रचा हुआ है। एक तरह से यूँ सोच लो कि बहुत ही कोशिश के बाद हम यहाँ तक पहुँचे हैं। गौ माता ने ही हमारे को दूसरा जन्म दिया था। आज जो भी है, इन्हीं का दिया हुआ सब कुछ है जी। अच्छा। आज इन्हीं की कृपा से? इन्हीं की कृपा है, बहुत ही ज्यादा है जी। अच्छा, अभी कितना गोवंश है अपने पास? अपने पास 150 के करीब गोवंश है जी। कौन सी नस्ल का? साहिवाल है, राठी है, गिर है, थारपारकर है। ये थारपारकर है, ये अपनी साहिवाल है, ये अपना ही खुद का मेरा नंदी हाथ का तैयार किया हुआ है जी। गोपाल इसका नाम है, ये गोपाल। हाँ, गोपाल नंदी रेनू बहन ने ही तैयार किया। हाँ जी, इसकी माँ का 16 किलो का रिकॉर्ड है जी दूध का। अच्छा। हाँ जी, बहुत सही। हाँ, ये अभी 1.5 साल का हुआ है। अच्छा, 1.5 साल का है? हाँ जी, अभी बिल्कुल। हाँ, बहुत अच्छा तैयार कर रखा है 1.5 साल में आपने। और जो ब्रीड के हिसाब से देखे और करेक्टर के हिसाब से बहुत ही उमदा नस्ल का नंदी है। हाँ जी, सारे ब्रीड करेक्टर साहिवाल के एकदम से मैच देखिए आप, बिल्कुल इतना शांत और विनम्र स्वभाव के हैं जी। जी, जी। पर इतना जानते हैं, मैं जिस भी बच्चे का, जिस भी गाय का या सांड का नाम लूंगी, जी जी, वही मेरे पास आएगा और दुलार करवाएगा। अच्छा, आपके फार्म पे? हाँ जी, फार्म पे जिस अच्छा। बच्चे का भी नाम लूंगी या जिस गाय माता का भी नाम लूंगी, वही अच्छा। मेरे पास आएगी और अपना दुलार करवाएगी। देखो, अरे बिल्कुल से शांत और विनम्र स्वभाव के, बहुत ही अच्छे, बहुत इतना अच्छा जानते हैं कि माँ आ गई। हाँ, हमारी केयर करेगी, हमारा दुलार करेगी। माँ माँ करके इतना अपने पास बुलाते हैं। जी, बहुत ही ज्यादा लगाव देखो, एकदम से शांत और विनम्र। इनका दूध घी की भी गुण होता है, देखो जैसा खाया न वैसा हो मन, जैसे पी दूध वैसी हुई बुद्धि। तो ये माँ है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जितनी माँ शांत होगी तो दूध घी में भी तो वही गुणवत्ता आएगी जी। जी, जी, जी। तो आपका किस नाम से है आपका? हमारा गोकुल फार्म के नाम से ही दूध है जी अपना। अच्छा। और घी भी कहाँ सप्लाई करते हैं आप? द्वारका सेक्टर 7 में अपना ऑफिस है जी, रामफल चौक। अच्छा। वहीं से हमारी सप्लाई, दूध की सप्लाई सुबह के टाइम में दिल्ली में होती है जी। अच्छा, द्वारका से ही आप? हाँ, सेक्टर 7 में से सप्लाई करते हैं। हाँ जी। तो द्वारका में ही खप जाता है या कहीं बाहर? नहीं जी, द्वारका से बाहर भी चारों तरफ जाता है। अच्छा, पूरी दिल्ली में? हाँ जी, हाँ जी, जहाँ तक के ऑर्डर हो वहीं तक जाता है जी। ठीक है। हाँ, अगर किसी भाई को दूध घी के लिए रिक्वायरमेंट है तो? हाँ, बहन अपना नंबर बता दीजिए। हाँ जी, मैं अपना नंबर भी बताती हूँ। और दूध घी का जी, ये वैदिक बिलोना घी है। और सबसे विशेषता क्या है जी हमारे दूध घी में, हमारे गाँव में पंचायती गोचर भूमि है। हाँ, वहाँ गाय चरने के लिए जाती हैं। 300 बीघा जमीन है, वहाँ सुबह जाती हैं और शाम को आती हैं। आप यूँ देखिए, जब गाय खुले में चरेंगी, खुले में बैठेंगी, तो उनका कितना
अपने मन मर्जी का खाएंगी, मन मर्जी से घूमेंगी, तो उनके दूध घी में कितनी गुणवत्ता आती है, वो एक औषधि का ही काम करता है। मैं तो अपनी वीडियोस में बताता रहता हूँ कि जो गाय पूरे दिन खूंटे से बंधी रहती है उनके दूध में वो गुणवत्ता नहीं आ पाती जब तक वो विचरण नहीं करेंगी, घूमेंगी नहीं, फिरेंगी नहीं। अपना ऑर्गेनिक ही 100% से, मैं तो ऑर्गेनिक ही कहूंगी, अपने पास गोबर का खाद इतना होता है कि ऑर्गेनिक ही खाती है गाय माता, ऑर्गेनिक ही इनको खिलाते हैं, फीड वगैरह भी सारा मिला जुला के हर तरह का देते हैं। और जो मैं घी बनाती हूँ खुद अपने हाथ से, वैदिक बलोना घी बनाती हूँ जी, मैं खुद घर तैयार करती हूँ, जो वेटिंग चलती रहती आज तक कभी पूरा ही नहीं हो पाता, ये सब गौ माता की ही कृपा है जी। बहुत बहुत सुंदर जी, अच्छा काम करोगे तो बिल्कुल वेटिंग में ही। हाँ जी बिल्कुल वेटिंग। हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल। तो अभी बच्चे, आपके जो बच्चे हैं वो भी इसी लाइन में? हाँ जी, ये बेटा विनय मेरा वेटनरी डॉक्टर है। अच्छा। हाँ जी, बड़ा बेटा जैसे फार्म की व्यवस्था संभालता, आगे का काम वो भी अपने फार्म का ही मैनेजर है। परिवार है। हाँ जी, हाँ जी, दो बेटे हैं मेरे, हम माँ बेटा ही करते हैं। अच्छा, और गाय माता ने ही दूसरा जीवन दे के देखो, मेरे को थायराइड सर्वाइकल आंखों पे चश्मा, और इतनी स्किन में इतनी एलर्जी थी कि मेरी ऐसे हालात थी कि मैं दो रोटी बच्चों की बना नहीं सकती थी, और आज मैंने अपना काम पूरा, मतलब जो पूरा जो संभाल गया सारा फार्म के अंदर की व्यवस्था मेरे ऊपर है, बेटा तो बाहर का संभालता है जी। अच्छा, सारा मैं अपने स्किन में भी प्रॉब्लम थी? हाँ, बहुत ही ज्यादा थी जी, और चल तो बिल्कुल भी नहीं चला, चला नहीं जाता, दो रोटी भी नहीं बना सकती थी। अच्छा, घुटनों में मेरा जॉइंट्स में अचानक ऐसे हुआ था कि इसके पापा गुजर गए थे थायराइड, मतलब महीना या भी नहीं हुआ था उस टाइम, मेरा यूट्रस का ऑपरेशन हुआ था, तो उस टाइम हालात ऐसे हो गए थे। चार पांच गाय से ही मैंने शुरू किया ये काम, चार पांच गाय से, फिर उसके बाद एक आध और हादसा होते चले गए कि आप तो जानते हैं कि जिंदगी में इतने संघर्ष इतना हुआ है कि आज तक भाई कोई भाई वहां तक सोच भी नहीं सकता जो हमारे साथ इतना संघर्ष। हाँ, पर लेकिन इनके साथ लगा और इनका साथ गौ माता का, परमात्मा का, इन्होंने जो जोश जज्बा जनून आत्मा से लगा हो ना, वो छूटता नहीं है जी। बहुत, हाँ, बहुत दो जो कुछ है जी आज इन्हीं की बदौलत है और इन्हीं का सब कुछ है जी। आप ये देख सकते हैं कि बहन का चेहरा भले ही चमक रहा है लेकिन हाथ दिखाइए बहन, जो एक काम करने वाली घरेलू महिला के हैं, बिल्कुल हाथ मजबूत हाथ हैं, बिल्कुल मजबूत जी, बिल्कुल भाइयों की तरह। हाँ, जो मर्दों की तरह काम करती हैं, जो आदमियों के हाथ होते वैसे ही बिल्कुल ऐसे ही मजबूत हाथ है वो, ऐसा वो कहते हैं जी काम वाले के, तो नाखून बता देंगे बोला कमाई है, नुआ की कमाई है जी, वही हाथ की कौन है जी। बिल्कुल बिल्कुल, हाथ से ही पता लगता है। हाँ बिल्कुल, हाथ से पता लगता है, काम करने वाले इंसान के हाथ अलग दिख जाते हैं। बहुत सुंदर। तो जो रेनु बहन है इनका मैं, समय मिलेगा तो फार्म भी जरूर मैं आप दिखाऊंगा इनको, और जैसा कि इन्होंने बताया है कि ये एक एक बच्चे को अपने जो बछड़े को बछड़ियों को अपने बच्चों की तरह पालते हैं, बिल्कुल तो नस्ल तैयार करते हैं, बहुत सुंदर कार्य मैं दिखाऊंगा। हाँ, आज तक जी कभी ये भी है, इधर आजिए बहन इधर आजिए, आज तक ये भी रिपोर्ट रहा जी कभी भी। हाँ, अपने जैसे गाय माता बड़े बच्चे हो जाते हैं तो दूध वो थन काटते हैं, तो दूध पीने में वो करते हैं कि थन काट देगी गाय दूध नहीं देगी, तो मैंने कभी भी आज से इंजेक्शन का यूज नहीं किया है। हाँ, कभी भी इनके आगे चारा डाला या खाने की फीड दी, इनको सहला करके एक बार बोलूंगी बेटा सीधी खड़ी हो जा। अच्छा, आज तक कभी मारने नहीं देती, एक बार बेटा खड़ी हो जाए यहीं पास में खड़ी हो जाती तो तुरंत गाय पहुंच जाती दूध दे देती है। अच्छा। इतना स्नेह है इनका, कोई भी अगर उनको ठेकेदार को वैसे जो काम वाले को सेवक उनको नहीं मानते, एक बार मैं बोलूंगी बेटा यहीं खड़ी हो जाए बेटा दूध दे दे। हाँ। तो अपने आप ही सीधी खड़ी हो जाएगी दूध दे दी तुरंत। अरे वाह, ये इतना प्यार और लगाव है जी इनका, ये रेनू बहन की जो सेवा और निष्ठा जो बता रही है। हाँ जी, उसी का से लगाव जी, दिखावा नहीं करते, जो भी है ना वो आत्मा के साथ है जी। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी वाणी से ही प्रतीत हो रहा है कि आप दिल से कार्य कर रही हैं जी बहन। ये जी जो अपना दूध घी का है जी, देखो जैसे गौ माता खाती है जी जी, जैसा प्रकृति गाय माता को देती है जी, वैसे गाय माता हमारे को देती है। मैं वैदिक बिलोन जैसे कलर का होता है जी, हाँ जी, जी। कलर के हमारे कस्टमर कई बार बोलते हैं कि अब हल्का क्रीम हो गया, अब ज्यादा पीला हो गया। हाँ, हाँ, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो, एक एक कस्टमर को तो हम समझा नहीं सकते, मान लिया कि हमारे 500 कस्टमर है। हाँ, जी, तो सबके पास अलग अलग जाती, तो ये मैं वीडियो के माध्यम से बोलना चाहूंगी कि प्रकृति के जैसे जैसे अनुकूल, जैसे गाय माता खाती है, जैसे साल में मौसम हर तरह का, सर्दी भी आती है, गर्मी भी आती है, बारिश भी आती है, तो आंधी का तूफान का भी मौसम होता है, तो उसी तरह गाय माता का भी है जी, नेचुरली है,
इसके सब कुछ दिमाग में ही सेट है, अपने आप ही, जो अपने आप ये जो खाओगी ना वही हमारे को देगी। उसके साथ चेंज होता रहे खाने के साथ और बदलाव हो रही है मौसम के साथ अनुकूल, बिल्कुल मौसम तो है जी, जो शहद, जो घी, घी का जो रंग है, हाँ जी रंग और उसका, और दूध का दाना, हाँ घी का दूध और दाना भी, और दूध की मलाई भी जी, वो हल्के क्रीम में आ जाती है कई बार, और टेस्ट भी बदली होता है। बिल्कुल, बहन ने जो बताई है उसकी मैं थोड़ा सा मैं भी अपनी भाषा में बता देता हूँ। हाँ जी, बहन ने ये कहा है कि जो घी है, हाँ जी, घी का जो दाना और रंग, हाँ दोनों पूरी तरह से मौसम पर निर्भर है और गाय के आहार पर निर्भर है। हाँ जी, जिस दिन धूप खिलेगी पूरी तेज धूप होगी बिल्कुल उसका, और जिस दिन बरसात रहेगी उसका, हाँ दोनों का घी के रंग में और दाने में फर्क नहीं। फर्क मिलेगा और स्वाद में भी मिलेगा, स्वाद में भी फर्क मिलेगा, स्वाद मिलेगा। आज तक परमात्मा गौ माता का दिया जन्म, आज तक हमने कभी पानी का छींटा नहीं दिया, नहीं कभी मिलावट करती, नहीं कर सकती जीवन में कभी भी, ये मेरा रुझान है जी। जी, जी। चाहे दो पैसे कड़े ले ले, लेकिन चीज बढ़िया और समझ क्या भाव जाता है आपका? हमारा दूध 120 रुपए लीटर है जी, घी 3200 रुपए के जी है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ जी, जय भारत, जय हरियाणा, जय गौ माता, जय गोपाल। रेनू बहन से मिलकर बहुत अच्छा लगा, मेरी फिर से दिली इच्छा हुई है कि मैं इनके फार्म की भी विजिट करूं और मैं आपको इनका फार्म जरूर दिखाऊंगा। मैं इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, रेनू बहन से विस्तृत चर्चा इनके फार्म पर फिर अगली वीडियो में दिखाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हरे कृष्णा।